हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र पाल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम एग्जाम स्टडी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो यूपीपीसीएस के अंतर्गत एसटीए एग्रीकल्चर का जो पेपर है 2024। दोस्तों, ये पेपर हुआ है 18 अगस्त 2024 को। तो दोस्तों, हम लोग इसका फुल सोल्यूशन देखेंगे, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। दोस्तों, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा पेपर समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, दोस्तों ये शुरुआत के 40 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के हैं और 41 से लेके आपके 120 प्रश्न तक कृषि के जो प्रश्न हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये इसका पहला प्रश्न है, भारत सरकार किस सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति गठन गठित की गई थी। तो दोस्तों, इसका विकल्प सही हो जाएगा 1972, बी डी विकल्प आपका दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों, ये जारी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों, ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो दोस्तों, ये पारित किया गया था 2005 को। दोस्तों, विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों, ये यहाँ पे मिलेट क्या हो जाएगा, मिलेट मिलेट दोस्तों बाजरा हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। इसके बाद में पल्स दोस्तों प्रोटीन हो जाएगा, और इसके बाद में चना दोस्तों क्या हो जाएगा, रबी हो जाएगा, और चाय पौधरोपण हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप विकल्प ए का अगर बात की जाए, ए का 3, दोस्तों ए का 3 विकल्प नंबर सी में है। तो दोस्तों, यहाँ पे विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, प्रथम ब्रिटिश व्यापार कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, ये किया गया था मूसलीपट्टनम में। मूसलीपट्टनम में प्रथम व्यापारिक कारखाना किया गया था शुरू। नेक्स्ट दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है, सीमित दायित्व वाली साझेदारी एलपीजी में साझेदारी की अधिकतम संख्या कितनी है। तो दोस्तों, ये है 100। दोस्तों, ये 100 संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है मैथ का प्रश्न है। तो दोस्तों, इसमें विकल्प 11 सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न नंबर 8 की, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। तो दोस्तों, ये सलाहकार थे BN राव। दोस्तों, BN राव सभा के सलाहकार थे। प्रश्न नंबर 9 है, नीचे भारत के रबड़ उत्पादक राज्यों की सूची दी गई है। तो दोस्तों, उत्पादक की प्रतिशत के अनुसार घटते क्रम में सही युग्म को चुनिए। तो दोस्तों, यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा आपका टी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, व्यवसाय में लाभ तथा लाभ एवं सेवा प्रयोजन प्रयोजन है क्या है। तो दोस्तों, ये है प्रतिकूल और विरोधात्मक। दोस्तों, प्रश्न इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है, तो दोस्तों इसका अगर बात की जाए, मैथ का प्रश्न है, इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11-12 है, शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था। तो मंत्री कौन था, तो दोस्तों ये मंत्री था पेशवा, महत्वपूर्ण मंत्री था। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रतिपादित किया। तो दोस्तों, ये विकल्प आपका आंसर सी सही हो जाएगा, टॉन्सिलेनेप। नेक्स्ट दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, दोस्तों इसमें आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, मानव शरीर में किडनी उत्तरदायी है। तो दोस्तों, ये किसके लिए उत्तरदायी है, तो ये उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है दोस्तों, उत्परिवर्तन के लिए आपकी ये उपयोगी है। नेक्स्ट दोस्तों, बात करेंगे, प्रश्न मैथ का है, तो यहाँ पे दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा आपका, विकल्प सही हो जाएगा ए विकल्प सही हो जाएगा, 15.8। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों से घिरा हुआ है, या चार राज्यों की स्पर्श सीमा करता है। तो ये दोस्तों सोनभद्र हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 है,
निम्नलिखित युद्धों, संघर्षों तथा विचार तथा उसको सही क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन से लेकर अंतिम तक? दोस्तों ये विकल्प यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा, आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न नंबर 19 को स्किप करते हैं। प्रश्न नंबर 20 की अगर बात की जाए, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ए विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा फरवरी 2024 में प्रतिपादित किया गया? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का डी विकल्प सही हो जाएगा, एम्स SDI स्मार्ट पेमेंट कार्ड। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो दोस्तों ये छऊ लोक नृत्य नहीं है उत्तर प्रदेश का। प्रश्न नंबर 23 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित अधिनियमों को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों ये पारित किया गया था 1986 में। तो दोस्तों ये पारित किया गया था 1986 में। तो दोस्तों अगर बात की जाए विकल्प की, तो यहाँ पे 1986 में कौन सा विकल्प? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बी का आपका ए देख लेना है, इसमें कौन सा हो जाएगा? बी का ए, बी का ए। तो दोस्तों बी का ए खाली आपका विकल्प नंबर सी में मिलता है। तो दोस्तों ये विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं, अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 पर्यावरण समारोह में भारत सरकार की ओर से कौन सा पौधा लगाया गया था? तो दोस्तों ये पौधा लगाया गया था, बरगद का पौधा लगाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट प्रश्न है, आलू पौधे का कौन सा भाग है? तो आलू पौधे का दोस्तों तना भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 27 रीजनिंग का है, तो इसमें विकल्प आपका 72 सही हो जाएगा, 72 विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्षा जल संचयन और स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना किस क्षेत्र में क्रियान्वित की गई? तो यहाँ पे विकल्प आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, बुंदेलखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में विस्तृत नहीं है? तो दोस्तों ये है तंदूर, आपका विस्तृत नहीं है, विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सा वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष थे? दोस्तों ये थे अपने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो विकल्प दोस्तों बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 31 है, किस तेल की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर FFDC की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों ये मेंथो ऑयल की के लिए स्थापना की गई थी, विकल्प आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। 33 है, किसके चुने हुए भाषणों को एक पुस्तक के रूप में लोकतंत्र के स्वर के नाम से प्रकाशित किया गया? तो दोस्तों ये प्रकाशित किया गया रामनाथ कोविंद के। प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने अपनी बंदी जीवन व्यतीत किया था? तो दोस्तों ये किया था मांडले जेल में, विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, मांडले जेल। प्रश्न नंबर 35 है, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 36 है, एक हॉर्स पावर का मान होता है, एक हॉर्स पावर का मान होता है 746 वाट। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, यह दिल्ली का कूट यह है CCIDD है, तो बॉम्बे का कूट क्या होगा? तो दोस्तों ये आपका विकल्प यहाँ पे डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप निकालेंगे तो विकल्प डी सही निकलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न नंबर 38 है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में यह अनुमान लगाया कि 2025 तक भारत में 60 वर्ष या इससे अधिक आयु की जनसंख्या बढ़कर निम्नलिखित हो जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए, तो इसका कोई 2025 का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो विकल्प ये प्रश्न गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम
गलत प्रश्न को मानते हुए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, उत्तर प्रदेश में औषधि पार्क कहाँ बनाया बनने जा रहा है? तो दोस्तों ये बनने जा रहा है आपका ललितपुर में। तो दोस्तों ये ललितपुर में बनने जा रहा है, यहाँ पे कोई विकल्प नहीं है, तो इसको हम भी गलत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में किस मध्याह्न रेखा देशांतर के द्वारा निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है 82 अंश 30 कोण पूरी देशांतर के। दोस्तों ये विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अब आपके 41 से 120 तक एग्रीकल्चर के क्वेश्चन शुरू होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो इसमें देखते हैं एग्रीकल्चर के प्रश्न। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, रेशम के कीटों को उनके मेजबान पौधों से मिलान करें। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप मिलान करेंगे तो आपका क्वेश्चन कौन सा सही होगा? तो दोस्तों आपको कुछ अनुमान तो लग ही गया होगा, यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा, ए का 4 सही होगा। ए का 4 अगर सही होगा तो दो में विकल्प दिया गया है ए का 4। इसके बाद में फिर बी का 2, बी का 2 दोस्तों ये होगा। तो देखा जाए इसी प्रकार से आप विकल्प देख लेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं विकल्प विकल्प बी विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों बी विकल्प सही करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 42 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलन हारमोन्स है? तो दोस्तों ये है आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, IVA। प्रश्न नंबर 43 से, प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका टमाटर का सही सम्मिलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे 50 मीटर दिया गया है, जबकि इसकी दूरी होती है पृथक्करण के लिए 25 मीटर। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगिता का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे विकल्प बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये प्रत्यक्ष उपयोगिता का प्रकार नहीं है, बाकी 3 हैं। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं दोस्तों, निम्न युग्मों में से फलों की प्रजातियों से संबंधित युग्म सम्मिलित नहीं है आपका? फिर दोस्तों पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो यहाँ पे आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा, केला, रेड लेडी, ये विकल्प सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 46 है, पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 2001 में, विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 47 है, दो मुख्य फसलों के तैयार होने के मध्य अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं कैच क्रॉप, अल्प अवधि फसल, विकल्प डी सही हो जाएगा, विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, सरसों की आरा मक्खी प्यूपेशन करती है? तो दोस्तों ये पत्तियों पे करती है, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, ICAR केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान एवं वर्ष में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था देहरादून, देहरादून 1975 में, देहरादून 1975 में, विकल्प आपका डी सही होगा। प्रश्न नंबर 50 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों ये आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जो दोस्तों विकल्प यहाँ पे ए सही हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 51 की, प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा, नील हरित शैवाल जलमग्न परिस्थितियों में धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थित करते हैं। प्रश्न नंबर 52 है दोस्तों, सूची फर्स्ट प्रजाति और सूची सेकंड समष्टि के अंतर्गत दोस्तों आपको कूट स्थापित करना है। तो विकल्प यहाँ पे प्रश्न नंबर 52 का दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो दोस्तों विकल्प यहाँ पे आपका सही होगा। दोस्तों अगर संकर की बात की जाए तो समांगी एवं विषमांगी, समांगी एवं विषमांगी का दोस्तों मिश्रण होता है। तो दोस्तों यहाँ पे दो सही हो जाएगा, ए विकल्प दो किस्में सही है, तो ये सही है दोस्तों 52 का डी में, 52 का, 52 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर 53 प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं तो ये प्रश्न नंबर 53 आपका सही होगा, कौन सा निम्नलिखित में युग्म सम्मिलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका ये
सुमिलित कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ये जो पूसा शीतल जो प्रजाति है ये खीरा की सुमिलित नहीं है। विकल्प आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54 है, प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस सर्वेक्षण का उपयोग वाटरशेड और शहरी विकास के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है, सी विकल्प सही होगा आपका, सामाजिक पर्यवेक्षण दोस्तों इसके अंतर्गत शहरी विकास के लिए किया जाता है। 55 प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों ये टैग दिए गए हैं किस प्रजाति के लिए, किस कौन सा राज्य के लिए टैग दिया गया है, ये आपका विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर बात की जाए तो दोस्तों अगर लेंगड़ा लेंगड़ा उत्तर प्रदेश के लिए है, दोस्तों आप देखिए दोस्तों डी 3 3 2 में सही है। इसके बाद में आप तो दोस्तों इसके बाद में आप देखेंगे कौन सा होगा, अल्फांसो कहाँ के लिए होगा, अल्फांसो दोस्तों कहाँ के लिए होगा, तो अल्फांसो बिहार के लिए हो जाएगा दोस्तों, अल्फांसो बिहार के लिए हो जाएगा। और जरदाली जरदालू फजली ये महाराष्ट्र के लिए हो जाएगा। तो दोस्तों और ये लंगड़ा उत्तर प्रदेश के लिए, लक्ष्मण भोग गुजरात के लिए, तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 56 है, इनहेरिटेंस के समय दो अथवा दो से अधिक जीन के एक साथ स्थायित्व बनाने में की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 56 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, इसे दोस्तों लिंकेज कहते हैं। चने में किस प्रकार की कृषि क्रिया विशेष रूप से की जाती है। तो दोस्तों ये सभी को पता है, पौधे के ऊपरी भाग की कटाई की जाती है जिससे उनके किल्लों का विकास अच्छी तरीके से होता है, तो पौधे के ऊपरी भाग की कटाई की जाती है, विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, कैल्शियम सिलिकेट में सिलिका कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो दोस्तों ये लगभग 41% पाया जाता है, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, पहली अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना AICIRP 1957 में किस फसल में शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये शुरू की गई थी मक्का में, दोस्तों ये मक्का में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान फॉर अर्ध शुष्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी 1972 में। तो दोस्तों यहाँ पे अक्टूबर मंथ में डेट गलत दी गई है, तो दोस्तों ये इसका देखा जाए तो विकल्प आपके गलत हैं, जबकि साइड पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे तो 28 अक्टूबर 1972 दिया गया है, यहाँ पे 28 अक्टूबर नहीं दिया गया, तो विकल्प सारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों ये सही सम्मिलित नहीं है, मूंग का दोस्तों सही सम्मिलित नहीं है, विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म फसल पीडक सही सम्मिलित है। तो दोस्तों ये आम में क्या लगता है, मिली बग लगता है, विकल्प ए सही हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। कितने आकार के कण को मृदा कोलाइड माना गया है, तो यहाँ पे दोस्तों विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पांडुचेरी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र KVK कब स्थापित किया गया। ये 1974 में स्थापित किया गया था, विकल्प बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट है प्रश्न है, बीजाणु एक तरफ अवस्था है, तो दोस्तों कब क्या अवस्था है, इसका आपका मिलान करना है। तो दोस्तों इसका मिलान अगर किया जाए तो आपका यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ये विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66 है, 66 में दोस्तों ये पूछा गया है कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर CRIDA हैदराबाद के अनुसार उथली जुताई के गहराई पर वर्गीकरण किया गया है। दोस्तों ये कितनी गहराई पर वर्गीकरण किया गया है उथली जुताई के लिए। तो दोस्तों ये किया गया है आपका प्रश्न नंबर 66 का डी सही हो जाएगा, 5 से 6 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर किया गया है। किस कारक का प्रयोग कार्बन को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है, तो दोस्तों ये किया जाता है, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 1.724। सुनहरा पीला रंग टैग किस वर्ग के बीज में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये प्रयोग किया जाता है प्रजनक बीज के अंतर्गत।
तजनक बीज के अंतर्गत दोस्तों किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मृदा संरक्षण कार्यक्रम में सर्वोच्च मेड़बंदी का कार्य उन भूमियों पर किया जाता है जहां ढलान कितना होता है। तो दोस्तों जहां ढलान होता है 2 से 6%, जहां ढलान होता है 2 से 6% होता है, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। पौधों में प्रथम विषाणु रोग को किसने बताया था? तो दोस्तों ये बताया था एडोल्फ मेयर में, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ह्यूमस में सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाता है, तो ये कार्बन पाया जाता है। तो दोस्तों ये कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक खनिज जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्रोत होता है, तो ये दोस्तों डोलोमाइट कहा जाता है, इसे डोलोमाइट, डी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 73 है, आम्रपाली किस क्रॉसिंग से क्रॉस से संकर प्राप्त किस्म है? तो दोस्तों ये प्राप्त है दशहरी क्रॉस नीलम, दशहरी क्रॉस नीलम। प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों ये विकल्प आपका भी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। विज्ञान की वह शाखा जो मिट्टी को उत्पत्ति, उसके वर्गीकरण और विवरण का अध्ययन करती है, तो दोस्तों ये पेडोलॉजी कहलाती है, विकल्प ए सही हो जाएगा। कपास की पर्ण कुचन बीमारी स्थानांतरित होती है, तो ये दोस्तों आपका विकल्प यहाँ पे डी वी सही होगा, सफेद मक्खी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, STCR अवधारणा को प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों ये किया था राम मूर्ति ने, विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवर्तनीय लागत को कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है मुख्य लागत, मुख्य लागत को परिवर्तनीय लागत कहा जाता है, विकल्प सी सही होगा। प्रश्न नंबर 79 है, जंगली जई का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों जंगली जई का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दोस्तों अगर कोई भी प्रश्न आपको अगर दोस्तों अगर डाउट होता है, तो दोस्तों आप सर्च करके देख सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, उसका दोस्तों कमेंट के माध्यम से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80 है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा सुमिलित नहीं है, प्रश्न नंबर 80 आपका, दोस्तों ये आपका कौन सा सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को घटाता है। प्रश्न नंबर 81 है, पानी के बहाव के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वह कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाती है एलुवियम कहलाती है, एलुवियम सॉइल कहलाती है। दोस्तों ये टिटकेल के बीज का संकरण क्या होता है अगर किया जाए, तो टिटकेल गेहूं प्लस राई का संकरण होता है। प्रश्न नंबर 83 है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 को किसकी वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा फिंगर मिलेट का वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों फिंगर मिलेट का वैज्ञानिक नाम है एलुसिनकोराकाना, ये विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 85 प्रश्न है, संपूर्ण भारत में बीज अधिनियम लागू किया गया था? ये 1969 में लागू किया गया था। तो दोस्तों वंशानुक्रम के नियमों से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों ये थे कौन से, प्रश्न नंबर 86 का बी सही हो जाएगा, जे मेंडल थे। दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। दोस्तों नेक्स्ट है, किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ये पूछा गया है, यहाँ पे आपका कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा? तो दोस्तों केवल यहाँ पे विकल्प ए सही हो जाएगा, विकल्प सी सही होगा, केवल एक वाला। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा बोडो मिश्रण के घटकों को सही ढंग से दर्शाता है? तो दोस्तों ये कौन सा है, ये आपका विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट चूना। प्रश्न नंबर 79 है, सजातीय वर्गीकरण के आधार पर भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 15। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से सिंचाई की किस विधि में उच्च जल उपयोग दक्षता होती है? तो दोस्तों ये आपका विकल्प
डी सही हो जाएगा, बूंद बूंद सिंचाई या टपक सिंचाई। नेक्स्ट है दोस्तों, नैनो डीएपी में क्रमशः नाइट्रोजन और फास्फोरस का अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों ये अनुपात होता है 8:16, विकल्प सी सही हो जाएगा। अमरूद के फल में शक्कर का ग्लूकोज शक्कर का रूप अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे अधिकतम मात्रा की बात की जा रही है, तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, ग्लूकोज। राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना को कौन सी एजेंसी नियंत्रित करती है? तो दोस्तों ये नियंत्रित करती है, विश्व बैंक नियंत्रित करती है, विकल्प ए सही होगा। प्रश्न नंबर 94 है, मिट्टी में मौजूद पानी का रूप जो गुरुत्वाकर्षण के साथ नहीं चलता है, तो दोस्तों ये किसके साथ नहीं चलता है? तो ये आर्द्रता का आर्द्रता जल के साथ नहीं चलता है। प्रश्न नंबर 94 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 की बात करते हैं, धान का संकर बीज प्राप्त करने में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है कोशिका द्रव्य अनुवांशिकी नरबंधता का, विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 96 है, रंगराजन समिति संबंधित है, तो दोस्तों ये समिति संबंधित है चीनी उत्पादन से, विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सी सूत कमी द्वारा होने वाली गेहूं की बीमारी है? तो दोस्तों ये है टुंडू एवं मोलिया, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ब्यूटीफुल गार्डन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये लिखी गई है SS रंधावा के द्वारा, विकल्प आपका बी सही होगा। नेक्स्ट है प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों ये आपका विकल्प सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 99 का डी विकल्प सही होगा। तन्हे पर गांठ सनई में नहीं पाई जाती है, तो दोस्तों ये किसमें पाई जाती है आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 100 है, कृषि में डिजिटल मंडी एप्लीकेशन किसने विकसित किया था? तो दोस्तों ये विकसित किया था IIT कानपुर और VSL ने। प्रश्न नंबर 101 है, इकाइनो क्लॉव फेमेंटिसिया वैज्ञानिक नाम किसका है? तो दोस्तों ये है झंगोरा का, झंगोरा का वैज्ञानिक नाम है, विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेफ्रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो दोस्तों यहाँ पे आपके विकल्प डी सही होगा, कथन एक और ये विकल्प ए, विचार ए और दो दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो दोस्तों ये पारित हुआ था 1912 में, 1912 में, विकल्प ए सही होगा। गुणसूत्रों में वंशानुक्रम गति सामग्री है DNA, DNA विकल्प बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म फसल बीज दर सही सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों ये तुरिया की सही सुमिलित नहीं है, तुरिया सरसों की 14 से 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा वनस्पति नहीं है? तो दोस्तों ये मोल्स मोल्स मृदा वनस्पति नहीं है, विटामिन विकल्प ए सही होगा। प्रश्न नंबर 107 है, भारत में कोऑपरेटिव आंदोलन के जनक कौन है? तो ये जनक हैं दोस्तों एफ निकोलसन, विकल्प ए सही होगा। प्रश्न नंबर 108 है, तो दोस्तों 6000 वर्ग मीटर क्षेत्र में मक्का के पौधों की संख्या गणना कीजिए, यदि इसे 60 गुणे 25 सेंटीमीटर के अंतर पर बोया गया है, तो यहाँ पे विकल्प दोस्तों बी सही होगा, 25,000 पौधे लगेंगे। बैंगनी धब्बा किस सब्जी की फसल का एक कवक जनित रोग है? तो दोस्तों ये विकल्प नंबर ए सही होगा, प्याज का। प्रश्न नंबर 110 है, राष्ट्रीय शोध केंद्रों को उसके स्थान से मिलान कीजिए, तो दोस्तों यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न नंबर 110 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु के आधार पर केले को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है उष्णकटिबंधीय फल के अंतर्गत, विकल्प बी सही हो जाएगा। मादा मच्छर में स्टाइलेट की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये 6 होती है, विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम खनिज का उदाहरण है? तो दोस्तों ये प्रथम खनिज की बात की जाए तो माइका है। प्रश्न नंबर 114 है, पादप आइडियोटाइप प्रतिरूप की अवधारणा प्रतिपादित किसने की थी? तो दोस्तों ये किसने प्रतिपादित की थी, प्रश्न नंबर 114 का बी विकल्प सही होगा, CM डोनाल्ड ने। प्रश्न नंबर 115 है,
85% से अधिक आर्द्रता पर पके केले के भंडारण के लिए अनुवांशिक तापमान क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16 है, तितलियों में निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो दोस्तों ये आपका पूछा है कि रूपांतरण तितलियों में किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, पहले आपका रूपांतरण होगा, इसके बाद में आपका लार्वा होगा, फिर प्यूपा बनेगा, फिर इसके बाद में इमोगो बनेगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, ICAR खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है जबलपुर में, विकल्प सी सही होगा। प्रश्न नंबर 118 है, पादप प्रजनन में कोचिसीन का उपयोग किया जाता है, पादप प्रजनन में कोचिसीन का उपयोग किया जाता है, ये आपका प्रश्न नंबर 118 का बी विकल्प सही हो जाएगा, सो बहुगुणिता उत्पन्न करना। प्रश्न नंबर 119 है, प्रश्न नंबर 119 का है, मृदा के भौतिक वातावरण में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है? मृदा विद्युत चालकता दोस्तों ये सम्मिलित नहीं है। इसके बाद दोस्तों यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका यूपी PCS के अंतर्गत STA का सॉल्व पेपर 2024 जो 18 अगस्त को हुआ था। तो दोस्तों आपको 60 में जैसा दोस्तों आपका आंसर बताने की प्रयास किया है दोस्तों, इसको पूरा डिटेल नहीं ले गए हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।